इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। अभी अभी मौसम विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में बदला मौसम और शिमला में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार व शुक्रवार को राजधानी में बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को बढ़ते तापमान से राहत मिलने की उम्मीद है। बुधवार रात से ही राजधानी के आसमान में बादल छाने की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 20 व 21 फरवरी को आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही तेज हवाओं से दिन में भी ठंड बढ़ सकती है, ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। 22 फरवरी के बाद ही एक बार फिर मौसम खुलने की उम्मीद है और अब तक फरवरी महीने में दिन में तेज धूप की वजह से अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। हिमाचल में एक बार फिर बुधवार को मौसम करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानों में 19 से 22 और मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 24 फरवरी तक मौसम खराब रहने वाला है। 20 और 21 फरवरी को बारिश के साथ अंधड़, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें शिमला की, तो शिमला में मंगलवार दोपहर 12:48 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 आंकी गई। शिमला के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था। भूकंप के झटकों से क्षेत्र में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में 19 और 20 फरवरी को मौसम के मिजाज बिगड़ सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बुधवार और वीरवार को जम्मू व कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार को मौसम साफ रहा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट देखी गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में दिन का तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री चढ़कर 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो दोस्तों, ये था मौसम का हालचाल। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह के मौसम अपडेट जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।